खेरसौन को लेकर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट भी आई है जिसमें बहुत बड़ा दावा हुआ है खेरसौन खाली करने को लेकर काफी टेंशन में पुतिन और पुतिन की गैर हाजिरी में की गई है खेरसौन खाली करने की घोषणा। खेरसौन खाली करने के बाद जो ऐलान हुआ है उसको लेकर दिन में ही अस्पताल में मौजूद थे पुतिन। क्या खेरसौन से पीछे हटने का फैसला पुतिन की गैर हाजिरी में लिया गया था? अमेरिकी मीडिया ने जो दावा किया है उसके मुताबिक पुतिन इस फैसले को लेकर बहुत टेंशन में थे और जिस दिन खेरसौन खाली करने का ऐलान किया गया उस दिन पुतिन अस्पताल में थे। मीडिया रिपोर्ट में खेरसौन खाली करने को लेकर जो डिटेल दी गई है उसके मुताबिक खेरसौन खाली करना पुतिन के लिए सबसे शर्मनाक फैसला था। जिस दिन खेरसौन खाली करने का ऐलान हुआ उस दिन पुतिन अस्पताल में थे। 9 नवंबर को पुतिन एक डॉक्टर को ब्रेन की सर्जरी करते हुए देख रहे थे। अगले दिन पुतिन सामने आए लेकिन खेरसौन पर कोई बात नहीं की। खेरसौन छोड़ना पुतिन के लिए अपमानजनक फैसला है। पुतिन की चुप्पी ने अपमान का दिया संकेत। इस रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि पुतिन ने सीधे तौर पर इस फैसले पर कोई बात नहीं की, लेकिन इतना तो जरूर है कि पुतिन के इस फैसले से खुद रूसी अधिकारी और जनरल भी हैरान थे। खुद पुतिन के करीबियों ने इस फैसले पर सवाल उठाया था और पुतिन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। यही वजह है कि खेरसौन छोड़ने से अपमानित पुतिन ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले का आदेश दिया था।